हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक्स सेक्टर के बारे में। देखेंगे इस वीडियो में जो डायग्नोस्टिक स्पेस में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 30-40% नीचे क्यों आया है। पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सेक्टर में ये जो नीचे प्राइस जो नीचे आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, हम उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक सेक्टर में जो लोग पॉजिटिव व्यू रखते हैं उसमें सौरभ मुखर्जी के बारे नाम आता है तो उनका क्या व्यू है, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एग्जैक्ट रीजन क्या है, हम इस वीडियो में वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक स्मॉल सा कंपैरिजन करेंगे डायग्नोस्टिक सेक्टर से टेलीकॉम सेक्टर में, इसका रीजन क्या है। देखिए डायग्नोस्टिक सेक्टर में ना कंपटीशन इंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है कि अपफ्रंट आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसके वजह से टेलीकॉम सेक्टर में देखिएगा 2 या 3 प्लेयर हैं एग्जिस्टिंग, और कंपेयर टू डायग्नोस्टिक सेक्टर में मतलब बहुत ही प्लेयर है। उसके बावजूद भी कोई नया प्लेयर लाइक अदानी लुपिन आ रहा है, उसके बाद एग्रीगेटर टाटा 1MGB आ रहा है। देखिए पहले हम लोग देखेंगे ये जो डायग्नोस्टिक सेक्टर में जो जो लिस्टेड कंपनीज है वो लोग एक ईयर में रिटर्न क्या दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, देख लीजिए ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का है, इनका रिटर्न देख लीजिए, एक साल पहले ऑलमोस्ट 2854 था और अभी है मान लीजिए 1970, तो रफली सोच लीजिए 40% का जो कैपिटल है वो इरोड हो चुका है। सिमिलर सिचुएशन है मेट्रोपोलिस में, मेट्रोपोलिस में आप देख लीजिए यहाँ पे 2295 था एक साल पहले और अभी जो इनका प्राइस है 1719, तो रफली आप पकड़ लीजिए 30% का कैपिटल इरोड हो चुका है। सिमिलरली फॉर थायरोकेयर में देख लीजिए आप एक साल पहले ऑलमोस्ट 1333, तो रफली 1000 पकड़ लीजिए, और अभी जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट 669, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30% का जो कैपिटल वो इरोड हो चुका है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटेंस मतलब कंपटीशन हो रहा है अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर और फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो इसका रीजन क्या है हम उसको ढूंढते हैं। इसका मेन रीजन है इंटेंस कंपटीशन एंड इंक्रीज कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग प्लेयर में 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए एग्जिस्टिंग प्लेयर में जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया या मेट्रोपोलिस हो गया या थायरोकेयर क्रासना, यहाँ से आपका कंपटीशन आ रहा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से भी कंपटीशन आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपको पता होगा जो इंडिया में जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है ना ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 55-50% आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो कंपटीशन वहां से भी आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए ये हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में लिस्टेड में देख लीजिए अपोलो नारायणा किम्स हॉस्पिटल, यहाँ से कंपटीशन आ रहा है। जो नॉन लिस्टेड है फॉर एग्जांपल आपका लोकेलिटी में कोई हॉस्पिटल है तो वो जो हॉस्पिटल में ना आप देखेंगे उनका खुद का लैब होता है, तो कंपटीशन वहां से भी आता है। उसके बाद देखेंगे ये जो न्यू प्लेयर है ना फॉर एग्जाम्पल अदानी लुपिन, ये लोग भी ये अभी हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेक्टर में एंटर कर रहा है। उसके बाद ये टाटा 1MG ये एक एग्रीगेटर है जो ये डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में आ रहा है, और ये सब वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़ रहा है। देखिए डायग्नोस्टिक सेक्टर में सबसे बुलिश जो फंड मैनेजर्स है वो है सौरभ मुखर्जी, तो अब हम लोग देख लेते हैं उनका क्या व्यू है इस सेक्टर के बारे में। ब्रॉडली स्पीकिंग द इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट right, including radiology is a 80,000 crore market, right? And private players are around 45,000 crores of this 80,000 crore market. Roughly formal players, formally organized 50% market share. Informal sector is around 50% market share, right? And if you were to look at it a different way, the organized national chains like
like Dr. Lal Path Labs, these account for around 15% of the market, right? Now, one of the reasons for organizing this interaction with Om was to sort of hear from him as to in what senses has COVID been a disruption in the positive sense of the word. Obviously, all of us have lived through the adverse impact of COVID in our lives, but you know, we're keen to understand whether COVID has had a more adverse impact on the informal sector, on the smaller path lab chains, and thus and is COVID driving consolidation in the sector. In this specific case of Dr. Lal Path Labs, you know, disclaimer to everybody, it's part of many of Marcellus's portfolios. So obviously we're having an interaction with a company which we have invested in for a long period of time. Numbers for Dr. Lal, profit compounding has been in the vicinity of 20-21% for a long time. Return on capital employed, pre-tax return on capital employed around 35%, return on invested capital around 90%. देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो डायग्नोस्टिक स्पेस है और डायग्नोस्टिक सेक्टर है, इस सेक्टर में कंपटीशन इतना इंटेंस क्यों है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस थायरोक्लियर, कृष्णा तो है, उसके बाद हॉस्पिटल का खुद का लैब्स होता है, और उसके बाद ये न्यू प्लेयर लाइक अदानी लुपिन यहाँ पे एंटर कर रहा है। उसके बाद आपको पता होगा ये टाटा 1MG भी एज ए एग्रीगेटर यहाँ पे एंट्री कर चुका है। तो इसके पीछे रीजन है वो एबिटा मार्जिन, मतलब ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में एंट्री बैरियर कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा डालेंगे, मान लीजिए 100% आप डाल रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख लीजिए जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, एबिटा मार्जिन देख लीजिए, हार्डली मतलब 30% से नीचे नहीं है। ये तो कोविड ईयर था जिसके वजह से 35 है, अदरवाइज आप रफली एक कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देख लीजिए 30% है। सेम आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखिए 25, मतलब आप बोल सकते हैं कि 25% का कुछ एवरेज है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देख लीजिए 20% है। तो इतना कैश जनरेटिंग बिजनेस है ना, तो इसके वजह से क्या होता है कि हर कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है, और इसके वजह से ही आप देखेंगे जो शेयर प्राइस है ना वो डाउन स्लोप में है। मतलब ये रीजन होता है आपका, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, उस सेक्टर में या उस कंपनी में कुछ एंट्री बैरियर नहीं होगा ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये लुक्रेटिव बिजनेस है, और कंपटीशन इंक्रीज होगा तो प्राइस में आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट वही है, आप मान लीजिए यही सिमिलर सिचुएशन हम लोग टेलीकॉम में देख रहे थे आज, कि जियो की जो प्राइस है ना वो नीचे होने के वजह से क्या हुआ, जो आज इंडिया में सिर्फ तीनों प्लेयर है, पहला है ये जियो, सेकेंड है एयरटेल, एंड थर्ड है वोडाफोन है, और थोड़ा बहुत BSNL है। तो यही रीजन होता है ये जो शेयर प्राइस नीचे जाने के लिए। तो इस वीडियो को आज इतना दूर तक ही करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।